स्वागत करता हूँ लाइव 24 इंडिया न्यूज के साथ 56 लोकसभा बहराइच के विकास खंड शिवपुर की सरजमी पर। आज जहाँ हम इकट्ठा हुए हैं वो विकास खंड शिवपुर का एक छोटा सा गांव है। यहाँ की जनता ने लगभग सभी पार्टी के प्रत्याशियों पर भरोसा किया और उन्हें संसद पहुँचाया है, मगर विकास के नाम पर यह क्षेत्र आज भी कोसों दूर है। आइए चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। आप हैं पुरुषोत्तम सिंह जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं राम हर्ष यादव जी सपा बसपा गठबंधन से, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप हैं कांग्रेस पार्टी से राजकुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले जरूरी है कोई खास मुद्दा हो, मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का हो, इसके साथ साथ जरूरी है क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा की जाए। आपने 2014 में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप 2014 में आप ही की सांसद रही हैं। आप की सांसद ने जो गांव गोद लिया था वो गांव इन 5 वर्षों में गोद में ही है या जमीन पर चलने लगे, आप बताएं। ये जो 50 साल की बीमारी है 5 साल में दूर नहीं किया जा सकती। 50 साल कांग्रेस का राज रहा है, 5 साल अभी हमारे सत्ता में आए हुआ है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपने 5 साल में ही देखा होगा, इस बहराइच जनपद की हम बात कर रहे हैं, अभी 2,28,000 किसानों के खाते में माननीय मोदी जी ने 6,000 की धनराशि भेजी है। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास का मतलब क्या होता है आप बताएं। देखिए हम लोगों ने कोई जात धर्म नहीं किया है, 3,26,000 घरों में हमने शौचालय देने का काम किया है। जो लोग अभी तक शौचालय का नाम नहीं जानते थे, मोदी जी की सरकार आने के बाद 3,26,000 इस बहराइच जनपद के दिया है। 9,064 गाँव में हमने विद्युतीकरण किया है। इसी बहराइच जनपद में हमने 66,000 आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं 5 साल के अंदर। 2 लाख घरों में हमने, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे घर में भी गैस चूल्हा आएगा, उनको चूल्हा देने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा है। एक मिनट, सबका साथ सबका विकास का नारा है कि हम मुहर्रम में भी बिजली देंगे और होली में भी बिजली देंगे, हमारा है सबका साथ सबका विकास। ये तो सही है कि उन्होंने कहा कि 70 साल, उसमें कुछ भागीदारी पुरुषोत्तम जायसवाल की भी रही है, क्योंकि ये अब भाजपा में आए, इससे पहले कांग्रेस में ही थे और जिला कांग्रेस में। इनको पूरा हर कई पार्टियों का इनको ज्ञान भी है, सपा कांग्रेस से सपा में भी है, आज भाजपा में है, तो इनको ज्ञान तो हर पार्टी को के बारे में थोड़ा पार्टी जाता है। आदमी तो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि 70 वर्ष और रहे हैं आप। 70 सालों में मान लीजिए कहते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 70 सालों में, 70 साल से पहले देश आज़ाद हुआ उसके पहले था क्या? अगर 70 सालों में आज अगर देश में डेवलप हुआ, देश में कोई चीज़ है जो दिखाई पड़ती है, वो कांग्रेस के देन है जो 70 साल में राज कर चुकी है। अगर इनसे भी पूछा जाए कि जो है आप उस समय कहाँ थे, तो कहेंगे मेरी पार्टी ही नहीं थी उस समय, मेरा कोई योगदान ही नहीं रहा। इनके सवालों का जवाब ये नहीं और, है आप और, जो कह रहे हैं और आप जवाब दे, आपने काम किया है। और ये कहते हैं कि हम 5 साल में कुछ नहीं कर, बहुत कुछ कर लिए, आवाज दे दिए, इसके पहले कोई आवाज देता नहीं था। इन्होंने गैस चूल्हा दे दिया, फ्री में दे दिया, बिजली मुफ्त पहुंचा दी, लेकिन उसके पीछे और नहीं बताते हैं कि बिजली पहुंचा दिया, जिन गांव में बिजली पहुंच गई है, जहां कनेक्शन दिए गए या नहीं दिए गए उनका बिल आ चुका है। और ज़्यादा कुछ जानना हो तो चले जाइए आप इसी बैकवर्ड एरिया बेला, चले जाइए मांझा, चले जाइए, जहाँ के 50 लोग मेरे पास आकर के कहे कि मैंने तो कनेक्शन नहीं लिया है, मेरी बिल इतनी आ चुकी है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। गैस इन्होंने घर घर पहुँचा दिया, घर घर पहुँचाए। 2014 से आने पहले गैस का दाम 414 रुपया हुआ करता था, और इन्होंने कहा कि मुफ्त में हम गैस चूल्हा दे रहे हैं, गैस रसोई कनेक्शन दे रहे हैं, और आज 1650 रुपये का, ये पब्लिक को नहीं पता, उसके पीछे जो है 1650 रुपये का भरपाई हो रही है। वो ये पब्लिक अभी यहाँ पर बैठी है, पब्लिक अभी बताएगी और 900 साढ़े 900 अभी हम लौट कर आपके पास आते हैं, यहाँ पब्लिक खड़ी है, ये बताएगी कि 70 वर्षों में क्या काम हुआ है और 5 वर्षों में क्या काम हुआ है, आप बताएंगे भाई। आपका नाम क्या है पहले आप बताएं।
आप जो आरोप लगा रहे हैं पुरुषोत्तम जी, 70 वर्षों में काम हुआ और मिश्रा जी ने सफाई दी, आप किस क्या इस्तीफाक रखते हैं? 70 सालों में जो 70,000 मास्टर कांग्रेस सरकार में नौकरी पाए थे, उन्हीं के लड़के आज विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। अच्छा, निःशुल्क योजना है, उज्ज्वला योजना में कहा गया निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है, आप उसके साथ क्या इत्तेफाक रखते हैं? अरे वो तो मतलब अच्छी बात है, हर घर में पहुंच गया है, लेकिन उसके पीछे बहुत धांधली है बाकी। अभी हमारे पुरुषोत्तम जी अपना पक्ष रख रहे थे और हमारे दाहिनी तरफ बच्चे उत्साह में तो हाथ में बच्चे ये हमारे दाहिने तरफ बच्चे काफी उत्साह में मोदी मोदी का नारा भी लगाया, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर फूल बरसाए, अभी आपने कहा कि इतने शौचालय बनाए गए कई लाख बहराइच में, कई लाख रसोई गैस बनाई दी गई, लोगों को मुफ्त बांटी गई। निश्चित रूप से शौचालय भी बने हैं और निश्चित रूप से गैस भी बांटी, ये अच्छा काम किया कि जब 830 सिलेंडर गरीब आदमी नहीं भरा पाया तो रखने के लिए इन्होंने शौचालय बना दिया, अब उसमें शौच तो नहीं कर सकते, सिलेंडर रखने की जगह की व्यवस्था इन्होंने कर दिया है। अभी यहाँ से निकल जाइए, केवल यहाँ से वो गुलाब वर्मा प्रधान जी के घर के आगे तक जाइए तो कम से कम हमारी 50 माँ बहनें लोटा लिए हुए आपको रास्ते में मिल जाएंगे। शिवपुर जैसे स्थान की बात है, इतना शौचालय आपने बना करके फिट कर दिया है, ये जमीनी हकीकत। आप पुरुषोत्तम जी बताएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, कहाँ गया रोजगार? हर वर्ष हर महीने बहराइच से लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा मजदूरी करने जाते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमने मुद्रा बैंक योजना शुरू की, उसे बहुत सारे बच्चों को नौजवानों एक भी आदमी लाकर खड़ा कर दीजिए जिसने मुद्रा योजना के तहत शिवपुर में जहां बैठे हमें जहां तक जानकारी है 6 लोगों का मुद्रा बैंक लोन हुआ है, इसी बैंक से आपके हुआ है। आपको जानकारी नहीं तो आप जानकारी कर लीजिएगा, 6 लोगों का मुद्रा बैंक में, छोटे लोगों का हुआ है, एक आपके ही गाँव का कोई कालिका प्रसाद है उसका मुद्रा बैंक में हुआ है, एक रितेश का हुआ है, एक कोई अनुराग जी है उनका हुआ है, हमारी जानकारी में ऐसे लोगों का मुद्रा बैंक हुआ है, इसी पब्लिक से पूछ लीजिए। और पहली बात, जब ऐसे गरीबों के जनधन खाते हमने खोले हैं तो इतने धीरे धीरे हम किसी चीज योजना को लाने में समय लगेगा, ऐसे तो खोल दिए मगर मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें से पैसा भी आपने कटवा दिया। ऐसा नहीं, जब हमने खाते खोले तो जब पहले इन्हीं के कांग्रेस वाले कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा जाता है, आज हम 6,000 भेजे हैं तो 2,000 जो पहली किस्त आई है पूरे पूरे किसानों ने 2,000 निकाले, उसमें कहीं कटौती नहीं हुई है। आधार का विरोध किया था, उसके बाद आज हर काम में आधार इसलिए लगाया गया कहीं भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया हम लोगों ने, मतलब आप विरोध नहीं किया, हम लोगों ने ऐसा काम किया कि देख लीजिए आज जो लोग बहुत सारे या तो भ्रष्टाचारी जेल में या तो विदेश भाग गए, उनको खींचने का काम हम लोग कर रहे हैं। विजय माल्या कैसे भाग गया? विजय माल्या देखिए खींच के आ रहा है, उसकी जितने का घोटाला कहते उससे ज्यादा उसकी देती है। आपको पता कर लीजिएगा जितने उसे उसे घोटाला कहते उससे ज्यादा उसकी संपत्ति हम लोगों ने जब्त कराने का काम किया। आपकी बातों का मिश्रा जी, इन्होंने अभी जयसवाल जी ने कहा कि हमने रसोई गैस बैठ किया, मैं उसमें कह रहा था कि आपने इतने गैस बांट दिया, आपको भी पता होना चाहिए कितने सिलेंडर भरे जा रहे हैं। जब आप नहीं आए थे, आपके आने से पहले 414 रुपये सिलेंडर हुआ करता था और उसमें उपभोक्ता को सब्सिडी मिलती थी, और आज आपने बहुत सुविधा दे दिया, उसके बाद 945 रुपये सिलेंडर दिख रहा है। आप ये तो पता करिए कि कितने घरों में जो है सिलेंडर भर के जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप द्वारा उठाया गया था कि सांसद या विधायकों ने गांव को गोद लिया, वो बच्चा गोद में है, जवान हो गया। मैं तो उस पर कहना चाहूँगा कि गोद लेने वाला ही अपंग था, जब अपंग होगी तो उसका बच्चा स्वस्थ कहाँ? आप पर सीधा आरोप लग रहा है कि गोद अपंग हो रहा है। और जिसने विकास नहीं किया वही को तो इन्होंने गोद में बैठाने का काम किया है।
चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, वही राहुल गांधी आज अमेठी छोड़ करके आज वायनाड लाने गए हैं, और वायनाड में जब वो पर्चा दाखिल करने गए थे तो वहाँ चांद सितारे के झंडे लहरा रहे थे, वो किसका झंडा था? बताइए, सबसे पहले अहम सवाल आपसे ये है कि गाय आपकी जो माता है यूपी में गाय माता है, गोवा और मणिपुर में क्या है जो आपके सांसद मंत्री कहते हैं? हम लोगों ने गाय की पूजा की को पूछते हैं, गाय हमारी माता है, भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे लोग जो हमारे साथ में जवाब देने आए हैं उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब भाजपा आती है तो क्या भाजपा क्या भाजपा भाजपा कई मंचों में भारत माता की जय बोली जाती है, उनके मंचों में भारत माता की जय बोली जाती है। हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ देख लीजिए, जाके पता कर लीजिए। हम लोगों ने ही पूरे इस पे रोक ली कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने पूरा रोकने का काम किया है इनकी सरकारों में। तो अभी आप देख लीजिए उनके पास, ये ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जिनके नारे लगते हैं कि हमारे वही कन्हैया कुमार का समर्थन करते हैं, जो बोलते हैं भारत माता को गाली देने वाले लोग आज इनकी गोद में बैठे हैं, जो बोलते हैं ये भारत माता तेरे टुकड़े होंगे हजार, आज उनकी गोद में लिए लोग बैठे नारे। महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा था कि 35A जो आपका ही घोषणा पत्र में था, और 35A 370 से अगर छेड़छाड़ किया गया तो भारत देश का तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में नहीं रहेगा। हमने कहा था समय अभी, मोदी जी ने कहा है, ये मोदी जी ने कहा है कि अभी हमने केवल न्यू बनाई है, अगली पांच साल की हमारी सरकार आने जा रही है, सारे चाहे वो 370 हो वो खत्म होगा। जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, जनता भी हमारी जान रही है, हम लोग भी जान रहे हैं, जो हमारे बचे खुचे काम है इसी 5 साल में देख लिया क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, वो सब जनता हमारी जान रही है। ऐसे नहीं है, आप देख लीजिए उन्हीं का, अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो हम लोगों ने साथ छोड़ने का काम किया। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच पर जब कोई नेता जाता है उनके नेता जाते हैं पगड़ी उतार करके तलाशी ली जाती है, आज हमारे नेता जाते हैं। बिल्कुल संतुष्ट है, एक प्रश्न हमारा है कांग्रेस प्रमुखता से रोजगार की परिभाषा बताओ, बस रोजगार की परिभाषा, और राहुल गांधी जब जीते के तुम्हें जाते तो वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? पत्रकार के लड़का लोग बन जाने गाड़ा हिला बसंता बोलते हो रहे के कायु गलत है सपा गवर्नमेंट काउंसिल से ना पूछो से जवाब दो। दो करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, कहाँ गया रोजगार? हर वर्ष हर महीने बहराइच से लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा मजदूरी करने जाते हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए हमने मुद्रा बैंक योजना शुरू की, उसे बहुत सारे बच्चों को नौजवानों एक भी आदमी लाकर खड़ा कर दीजिए जिसने मुद्रा योजना के तहत शिवपुर में जहां बैठे हमें जहां तक जानकारी है 6 लोगों का मुद्रा बैंक लोन हुआ है, इसी बैंक से आपके हुआ है, आपको जानकारी नहीं तो आप जानकारी कर लीजिएगा। 6 लोगों का मुद्रा बैंक में, हाँ छोटे लोगों का हुआ है, एक आपके ही गांव का कोई कालिका प्रसाद है उसका मुद्रा बैंक में हुआ है, एक रितेश का हुआ है, एक कोई अनुराग जी है उनका हुआ है, हमारी जानकारी में ऐसे लोगों का मुद्रा बैंक हुआ है, इसी पब्लिक से पूछ लीजिए। और पहली बात, जब ऐसे गरीबों के जनधन खाते हमने खोले हैं तो इतने धीरे धीरे हम किसी चीज योजना को लाने में समय लगेगा, ऐसे तो खोल दिए मगर मिनिमम बैलेंस के नाम पर उसमें से पैसा भी आपने कटवा दिया। ऐसा नहीं, जब हमने खाते खोले तो जब पहले इन्हीं के कांग्रेस वाले कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा जाता है, आज हम 6,000 भेजे हैं तो 2,000 जो पहली किस्त आई है पूरे पूरे किसानों ने 2,000 निकाले, उसमें कहीं कटौती नहीं हुई है। विरोध किया था, उसके बाद आज हर काम में आधार इसलिए लगाया गया कहीं भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम किया हम लोगों ने, विरोध नहीं किया हम लोगों ने, ऐसा काम किया कि देख लीजिए आज जो लोग बहुत सारे या तो भ्रष्टाचारी जेल में या तो विदेश भाग गए, उनको खींचने का काम हम लोग कर रहे हैं।
विजय माल्या कैसे भाग गया? विजय माल्या देखिए खींच के आ रहा है, उसकी जितने घोटाला के उससे आपको पता कर लीजिएगा, जितने उसे घोटाला के उससे ज्यादा उसकी संपत्ति हम लोगों ने जब्त कराने का काम किया। आपकी बातों का मिश्रण, इन्होंने अभी जयसवाल जी ने कहा कि हमने रसोई गैस बैठ किया, मैं उस पर कह रहा था कि आपने इतने गैस बांट दिया, आपको भी पता होना चाहिए कितने सिलेंडर भरे जाते हैं। जब आप नहीं आए थे, आपके आने से पहले 414 रुपए सिलेंडर हुआ करता था और उसमें उपभोक्ता को सब्सिडी मिलती थी, और आज आपने बहुत सुधार दे दिया, उसके बाद 945 रुपये सिलेंडर दिख रहा था। आप ये तो पता करिए कि कितने घरों में जो है सिलेंडर भर के जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप द्वारा उठाया गया था कि सांसद या विधायकों ने गांव को गोद लिया, वो बच्चा गोद में है, जवान हो गया। मैं तो उस पर कहना चाहूँगा कि गोद लेने वाला ही अपंग था, जब अपंग होगी तो उसका बच्चा स्वस्थ कहाँ? आप पर सीधा आरोप लग रहा है कि गोद विकास नहीं किया, वही को तो इन्होंने गोद में बैठाने का काम किया है। पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ, वही राहुल गांधी आज अमेठी छोड़ करके आज वायनाड लाने गए हैं, और वायनाड में जब वो पर्चा दाखिल करने गए थे तो वहाँ चांद सितारे के झंडे लहरा रहे थे, वो किसका झंडा था? बताइए, सबसे पहले अहम सवाल आपसे ये है कि गाय आपकी जो माता है, यूपी में गाय माता है, गोवा और मणिपुर में क्या है जो आपके सांसद मंत्री कहते हैं? हम लोगों ने गाय की पूजा की, हम लोग गाय को पूछते हैं, गाय हमारी माता है, भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे लोग जो हमारे साथ में जवाब देने आए हैं उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। जब भाजपा आती है तो क्या भाजपा कई मंचों में भारत माता की जय बोली जाती है, उनके मंचों में भारत माता की जय बोली जाती है? हम तो आपको घुमाने, हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ देख लीजिए, जाके पता कर लीजिए। हम लोगों ने ही पूरे इस पे रोक ली कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने पूरा रोकने का काम किया है इनकी सरकारों में। तो अभी आप देख लीजिए उनके पास, ये ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जिनके नारे लगते हैं कि हमारे वही कन्हैया कुमार का समर्थन करते हैं, जो बोलते हैं भारत माता को गाली देने वाले लोग आज इनकी गोद में बैठे हैं, जो बोलते हैं ये भारत माता तेरे टुकड़े होंगे हजार, आज उनकी गोद में लिए लोग बैठे नारे। महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा था कि 35A जो आपका ही घोषणा पत्र में था, और 35A 370 से अगर छेड़छाड़ किया गया तो भारत देश का तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में नहीं रहेगा। हमने कहा था समय अभी, मोदी जी ने कहा है, ये मोदी जी ने कहा है कि अभी हमने केवल न्यू बनाई है, अगली पांच साल की हमारी सरकार हमें जा रही है, सारे चाहे वो 370 हो वो खत्म होगा। जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, जनता भी हमारी जान रही है, हम लोग भी जान रहे हैं, जो हमारे बचे खुचे काम है इसी 5 साल में देखिए क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, वो सब जनता हमारी जान रही है। ऐसे नहीं है, आप देख लीजिए उन्हीं का, अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो हम लोगों ने साथ छोड़ने का काम किया है। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच पर जब कोई नेता जाता है, उनके नेता जाते हैं पगड़ी उतार करके तलाशी ली जाती है, आज हमारे नेता जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, ये भाजपा सरकार ने कई कार्य किए, भाजपा सरकार ने कई कार्य किए जिसमें एक कार्य था मार्केट से पन्नी को बंद किया गया, पॉलीथीन को बंद किया गया, आज क्या पॉलीथीन मार्केट में नहीं है? गड्ढा मुक्त सड़कें की गई, अभी मैं बेड़ा से शिवपुर तक आया हूँ, गड्ढा युक्त सड़क पे होके आया हूँ, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है। दूसरी बात, सड़कों का विकास की बात करते हैं कि हाईवे बनाया गया, हाईवे 2 लाइन का बनाया गया, 4 लाइन का टैक्स लिया जा रहा है, टोल प्लाजा 4 लाइन 4 लाइन का लगाया गया, 2 लाइन पे टोल प्लाजा लगाएगा, पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, इससे क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की? बात कर रहे हैं उसका टेंडर हो गया, सड़क पर चुनाव के बाद वो बनना शुरू हो जाएगी, गाड़ी चौराहा तक बंद हो गया और 8:12 तक बंद है। पॉलीथिन की बात कर रहे थे, पॉलीथिन हम लोगों ने रोक लिया, कहीं 50 के
इसके अलावा यहाँ टोल प्लाजा में जो सड़क थी फोर लेन सारी है, वो कहीं कहीं पर टू लेन है, उसको फोर लेन में नहीं लेन दिया जा रहा है, सर पे हो गया, कहीं कहीं जो पेड़ पौधे की बात आ रही है वो भी दूर करके जल्दी होने जा रही है, देखिए मैं शिवपुर बाजार में बैठा हूँ और जब से मैंने राजनीति में होश संभाला है तब से तीन बार हमारी सरकार आई है। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर 2.25 साल रहे और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी यहाँ 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अब ये कुल मिलाकर के 9 साल का कार्यकाल हो गया। 9 साल में आज स्थिति हम देख रहे हैं, जिस शिवपुर बाजार में हम बैठे हैं, जिस RCC पर, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। ब्लॉक के लोग उधर जो आपके तरफ दक्षिण इलाका के लोग थे वो कह रहे थे एक पुल नहीं है और उधर से हमारा मार्केट खुला नहीं है, इसलिए आधी मार्केट हमारी बेरोजगार हो गई। वो पुल भी रमजान MLC और बुल्लू सिंह जिला पंचायत सदस्य थे, रमजान MLC और बुल्लू सिंह के संयुक्त जिसे वो पुल बना, और इसके बाद जब उपचुनाव हुआ 2004 में, तो 2005 में जब हमारी पार्टी का यहाँ MLA बना तो हम शिवपुर से बांध से लेकर के और फिर उस इलाके को हमने जोड़ने का काम किया, और इसके बाद इस इलाके का सबसे बड़ा वरदान यहाँ MLA न होते हुए भी 40 करोड़ रुपए का पुल दिया है हमने, जिस पर लोग आ जा रहे हैं। ये गन्ना आज इस शिवपुर बाजार में सन्नाटा पर पसर जाता था, उस शिवपुर बाजार में 11-12 बजे तक खरीदारी होती है, अगर वो ऐतिहासिक पुल वरदान इस क्षेत्र को मिला होता तो आज शिवपुर बाजार में सन्नाटा छाया होता। 5 साल 3 साल का इनका मुख्यमंत्री का तीसरा साल चल रहा है और 5 साल जो है केंद्र सरकार के हो गए। किसी भी डिबेटर को आना चाहिए तो पहले अपना 2014 का घोषणा पत्र लाना चाहिए। अब इनका घोषणा पत्र हमारे पास है और हमारे तमाम साथी जो इधर नारा भी लगा रहे हैं सबके पास मोबाइल है, वो 2014 का संकल्प पत्र निकालें, उनके पास घोषणा पत्र आ जाएगा। उसमें कहीं मोदी जी ने नहीं लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो नोटबंदी करेंगे, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा था हम सत्ता में आएंगे तो गैस कनेक्शन देंगे, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों किसानों को 2000 रुपया देंगे। ये 2000 रुपया चुनाव के टाइम में केवल जिस तरीके से कुछ प्रधान लोग दारू पीने के लिए पैसा बांटते हैं उसी तरीके से ये पैसा बांटा जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। नंबर एक बात, घोषणा पत्र हमारे हाथ में देखिए, पहला इनका है देश में, पहला ही संकल्प पत्र में देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आपने भी सवाल किया था, अभी हमारे साथी ने बताया कि हमने मुद्रा लोन के जरिए लोगों को पैसा दिया, नाम इन्होंने बदल दिया, पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, मुख्यमंत्री रोजगार योजना थी और पहले भी इस तरीके के कर्जे मिला करते थे, लेकिन शिक्षक कितने 1,72,000 शिक्षकों की नौकरी ले लिया, प्रेरक जो थे शिक्षा प्रेरक उनको हटा दिया गया, ये रोजगार दे रहे हैं मुद्रा लोन के नाम पर, जो रोजगार करेगा उसी को तो मिल जाएगा। आपने शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या कहा, पकौड़ा बेची, ये हमारे छोटे छोटे नारा लगा रहे हैं। यहाँ सुरेश्वर सिंह जी MLA रहे, यहाँ सांसद लक्ष्मीवर त्रिपाठी रहे, यहाँ सांसद इनकी रही अभी सावित्री बाई फुले जो कांग्रेस में चली गई है, हमेशा मोदी ना मोदी जी नहीं थे तो जनसंघ से लेकर के आज तक, लेकिन इस बाजार का एक व्यक्ति भी ये नहीं बता सकता है कि हमने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई एक ईटा रखवा लिया हो। हम छन्नू लाल विश्वकर्मा वाले स्कूल का तो कहा कि रेट है भैया 20,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन, 15,000 सेकेंड और अलग आदमी की कापी लिख जाती है इस सरकार में, अलग नौजवान घूम लेता है, नौजवानों
हमारे भक्त नारा यहाँ न लगाते होते सन्नाटा पसरा होता। मैं तो कह रहा हूँ मैं बहरा नहीं हूँ। जो आपने विद्यालय में जमीन दान किया है और कितने रुपए नकल करा करके भर लिया ये तो आप जानते होंगे। जय श्री राम। आपके पहली बार आई है सरकार जिसने नकल रोकने का काम किया है। आपकी सरकार ने सब पुस्तक परीक्षा दिलाने का काम किया है। पढ़ा लिखा करके बीएससी एमएससी वालों को आपने बेकार करने काम किया। शिक्षा का स्तर आपने खराब करने का काम किया। हमारी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कहीं भी नकल हुई तो आप बता दीजिए कि किसी भी सेंटर में नकल हुई हो। मुझे खुशी है कि जिनका जिनका भ्रष्टाचार हुआ अभी उजागर किया हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी ने 22 फरवरी 2012 को पुरुषोत्तम जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता कहा इटाहा में हमारी जनसभा में। उसके पहले डॉक्टर साहब से इन्होंने मिल लिया, हमारे बड़े नेता थे। और ये 2012 से लगा करके 2016 आखिरी तक समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार इन्हें नहीं दिखा, जब तक 40 लाख रुपए स्कूल वाला लेना था। और जैसे वो लिए और हवा खिसकी वैसे बंदा चलता बना। क्या हुआ मित्रों, एक बात मैं कह रहा हूं, एक जंगल में आग लग गई, एक जंगल में आग लग गई तो पेड़ जलने लगा। अब पेड़ जलने लगा जब तो उस पे तमाम 100-150 पक्षी बैठे हुए थे, सारे पक्षी उड़ गए, 4-5 पक्षी नहीं उड़े। ये हुआ कि अब जंगल पूरा जल जाएगा तो वो जो उड़ गए थे वो ऊपर से मंडरा कर कह रहे थे, रे पंछी क्यों बाव रे, रे पंछी बाव रे, तेरे पंख तुम्हारे पास और जंगल में लागी आ काहे न उड़ जा। तो उन चार पक्षियों ने कहा, उन चार पक्षियों ने कहा मित्रों कि फल खायो यह वृक्ष गए गंदा किन्हो पार, और धर्म हमारा यही है जलू इसी के साथ। ये नहीं कि धर्म कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 50 साल जमीन से लेकर के पाताल तक घोटाला किया। उनके नेता को यह नहीं पता है कि गन्ना बोया जाता है कि चीनी बोया जाता है। वो ऐसे नेता की बात कर रहे हैं। हमारे एयरफोर्स के जवानों से और उनसे हिसाब मांग रहे हैं। इससे पहले हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने तो हमने उन्हें घर में घुस के मारा है, हमने घर में घुस के मारा है और मौका मिलेगा फिर मारा। वो समय वो दिन याद करिए कि सब सांसद जी पर्ची, जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक कनेक्शन के लिए पर्ची दी जाती थी। आज गैस कनेक्शन बांट रहे हैं, निःशुल्क गैस कनेक्शन बांट रहे हैं हर घर में। उस मां से पूछिए, उस मां से पूछिए जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे घर में भी गैस चूल्हा आएगा। हमने गैस चूल्हा देने का काम किया है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हमने बिजली दी है, हमने मुहर्रम में भी बिजली दी है तो हमने होली में दिया है। और हमने सपा ने मुहर्रम में दी होगी लेकिन होली में कट गई होगी। एक जैसा माना है हमका नारा, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास है। सपा पर आरोप लगता था कि उसने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है। एक मिनट, मुस्लिम तुष्टिकरण किया है, मदरसों को अनुदान दिया है, सिर्फ कब्रिस्तान बनवाए हैं, गवर्नमेंट आपकी है, आप संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुलवा रहे, संस्कृत टीचरों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे, आप संस्थान क्यों नहीं। पहली बार जब हमारा इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, पहली बार कांवरियों के ऊपर हेलीकॉप्टर जो पुलिस हमारे कांवरियों को पहली बार अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री दीपावली जलाने आया होगा। इनके नेता क्यों नहीं दीपावली जलाने गए, ये बहुत लड़ाई लड़ते हैं तो उसी गेस्ट हाउस कांड वाले की गोद में क्यों बैठने का आज किया। सपा बसपा से गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया था वही गेस्ट हाउस कांड भूल करके आज इन लोग वही मायावती की गोद में बैठ गए और हाथी का गोबर लिपटे। समाजवादी पार्टी इसकी सरकार में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए
ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए ये कहा गया कि जो कोई भाई अपना निजी विद्यालय चलाना चाहेगा, हमारी सरकार बिना भेदभाव के उस विद्यालय को चलाने के लिए, महाविद्यालय को चलाने के लिए 40-40 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी पिछली हमारी 2012 से 17 की जो सरकार थी, हमारे दोस्त बैठे हैं, इन्हीं के विद्यालय को 40 लाख रुपया मिला और इसी ब्लॉक विश्वकर्मा का महाविद्यालय है उसको 40 लाख रुपए देने का काम किया गया। आपने सीएससी की बात किया, ये लोग विकास की बात करते हैं, वो सीएससी भी माननीय अली बहादुर, स्वर्गीय अली बहादुर जी जब एमएलए थे, नहीं यहाँ बनी तो बिहड़ा में बनी, वो सीएससी भी अली बहादुर बीएसपी के टाइम में बनी थी। और जो ढकिया के तरफ से आप जाइए, वो पुल भी अली बहादुर के टाइम में बना था। एक पुलिया भी ये अपने सरकार के कार्यकाल में नहीं बता सकते हैं। बस इसीलिए ये जब आते हैं तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चांद और सितारा ये ऊपर ही की राजनीति करते हैं, जमीन और विकास की कोई राजनीति नहीं करते। आप लखनऊ से लेकर के रुपया तक के हाईवे बनाने का काम हमारी मोदी सरकार में किया गया। ओबी नहीं छोड़ा नहीं गया, फिर आपके तब संज्ञान में नहीं है। हमने राजी चौराहा तक बना दिया, इसका भी सर्वे हो गया है और टेंडर हो गया है, अभी सड़क बनने जा रही है, मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, रेलवे लाइन हमने बना दी है। और जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है आपका, तो इसी सरकार में बेटियां सुरक्षित है। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो मायावती आज अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं करती। पीएससी बनाने का काम किया है और ब्लॉक मुख्यालय में उसको हम ब्लॉक में जाके देख लीजिएगा, पीएससी सीएससी में कन्वर्ट होकर के उसमें कार्य हो रहा है। अगर आपको पता नहीं तो डॉक्टर मनी राजा के पास आ गया है, वो चेक कर लीजिएगा। बालिका विद्यालय यहाँ पर कई विद्यालय ऐसे बने हैं, शिक्षा में कोई कमी नहीं, अगर जरूरत होगी तो हमारी सरकार जल्द से जल्द बनवाने काम करेगी, ऐसा नहीं है। अभी शिक्षा के अभी भाई जयसवाल जी ने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया, अभी यहाँ बोल रहे हैं कि इनको ज्ञान है, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज का सेंक्शन हुआ था तो गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, यूपी सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस जमाने का, कांग्रेस जमाने की संगठन है। और आज ये जरूर है कि इनकी सरकार है, इनके सरकार के उसमें बन रहा, ये उसका सही लेना चाहते हैं, ये आप खुद ही करते हैं इसलिए दूसरे लेते हैं। और जो आपके नानपारा रुपए की जो बनी हुई है वो भी यूपीए के जमाने के संगठन है, वो बांध बनी, ये काम दूसरे लेना चाहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर हमारा जवान सही हो रहा है तो उससे सियासत करते हैं, दूसरे के इतिहास चुरा लेते हैं, पटेल की मूर्ति लगा देंगे, महात्मा गांधी के चश्मा चुरा लेंगे, इनके पास अपना इतिहास कुछ नहीं, ये चोरी करके दूसरे काम अपना काम बताते हैं। इनको इस चुनाव में पिछले मैनोफेस्टो को ला करके इनको बताना चाहिए कि हमने ये वादा किया था, ये हमने ये पूरा कर दिया। आज उन कार्यों को छोड़ करके ये क्या करने आए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और इनके पास बचा हुआ और कोई कार्य आयु के नहीं, ये बताओ कितने एक पोस्ट तैयार कर दिए, इनका मंदिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया इंडिया क्या क्या इन्होंने बोला था, उसका क्या किया इन्होंने। आप लखनऊ से लेकर के रुपया तक के हाईवे बनाने का काम हमारी मोदी सरकार में किया गया। ओबी नहीं छोड़ा नहीं गया, फिर आपके तब संज्ञान में नहीं है, हमने राजी चौराहा तक बना दिया, इसका भी सर्वे हो गया है और टेंडर हो गया है, अभी सड़क बनने जा रही है, मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, रेलवे लाइन हमने बना दी है। और जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है आपका, तो इसी सरकार में बेटियां सुरक्षित है, अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होती तो मायावती आज अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं करती। नहीं
पीएससी बनाने का काम किया है और ब्लॉक में जाके देख लीजिएगा पीएससी सीएससी में कन्वर्ट होकर के उस पर कार्य हो रहा है। अगर आपको पता नहीं तो डॉक्टर मलि राजा के पास आ गया है, वो चेक कर लीजिएगा। बालिका विद्यालय यहाँ पर कई विद्यालय ऐसे बने हैं, शिक्षा में कोई कमी नहीं है। जरूरत हो जाए हमारी सरकार जल्द से जल्द बनवाने काम करेगी, ऐसा नहीं है। अभी शिक्षा की यहाँ पर बालिका विद्यालय की जरूरत नहीं, क्षेत्र का विकास, गांवों में आवाज, जैसे हमने बोल बताया, हमारे नेता ने बोला है कि 2022 तक कोई भी कच्चा घर नहीं रहेगा, इन्हीं की सरकार में। इधर चले जाइए, बड़े बड़े गांवों में हम नाम नहीं लेना चाह रहे, इतने बड़े घोटाले हुए थे, आवास बने नहीं, दूसरे गाँव के गाँव में आवास बांटने का काम किया था इन्हीं सरकार में, और 20-20 हजार रूपए आवासों में लिया गया था। इस सरकार में हम लोगों ने आवास बनाने का किया, 2022 तक आवास जो है बनने का काम पूरा सरकार हमारा आवास दे देगी। हम गाँव में ही तो विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हमने पन्नी मुक्त कर दिया, ये स्वच्छ भारत के अभियान हो गई है, 50 माइक्रॉन तक चल रही है, अभी धीरे धीरे मार्केट से किसी भी कार्य करने के लिए अचानक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। धीरे धीरे किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई थी, गाय दोगुना कैसे हुई? देखिए, गाय कहीं हमारी सरकार ने नहीं छोड़ दी है, हमारे आप जैसे भाइयों की है। हम लोगों ने गौशाला बनाने का काम किया है, आपके चंदेला कला इटहा और मानिकपुर बहौली में हमने गौशाला बनाया, इसके 3 गौशाले बन गई, जहाँ जमीन उपलब्ध हो, अगर जमीनें उपलब्ध हो रही है, हम लोग दोबारे जमीन जहाँ उपलब्ध हो। अभी अभी जो अभी मेरे मित्र ने कहा चंदेला में गौशाला, तो 3 दिन पहले अभी हमारे ये प्रिंट मीडिया के साथी बैठे हैं, अभी प्रिंट मीडिया अखबार में निकला था कि वहाँ पे 5 गाय 1 हफ्ते के अंदर गौशाला के अंदर मर गई, और वीडियो से उनको जानकारी है। नंबर एक बात, और एक बात भाई, अभी ये कभी की नंबर से गाय मर रही है, गाड़ी से गाय मर रही है। बिहारी लाल अंबर जी ने कहा, कि शिवपुर से टेढ़ी तक सड़क जो खराब है, तो एक आदमी उसमें से निकला कि आज भी है और कल भी रहेगी, जब तक सपा नहीं आएगी तब तक ऐसे रहेगी। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ टीम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।